ये तस्वीरें ग्रेटर नोएडा के जैतपुर गांव की हैं, जहां बागेश्वर बाबा का दिव्य दरबार सजा हुआ है। बारिश को ध्यान में रखते हुए कथा के लिए 200 बीघा खाली जमीन पर 4 वाटरप्रूफ टेंट लगाए गए थे, लेकिन लोगों का हुजूम इस तरह जमा हुआ कि सारी तैयारियां नाकाफी साबित हुई। हालांकि बुधवार को कथा के दौरान व्यवस्था इस तरह चरमराई कि कई महिलाएं गर्मी और ऑक्सीजन की कमी से बेहोश होकर गिर गईं, तो वहीं बेकाबू भीड़ में कई लोगों को गंभीर चोटें भी आईं। किसी भी तरह कोई भगदड़ नहीं मची है। उमस और अत्यधिक गर्मी के कारण कुछ महिलाएं तथा कुछ बुजुर्ग असहज स्थिति में आ गए थे। उनको तत्काल एम्बुलेंस के माध्यम से विभिन्न नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया था। वहीं कथा के दौरान एक शख्स महिला को उठाकर बैरिकेडिंग से बाहर फेंकता हुआ भी नजर आया। क्षमता से ज्यादा श्रद्धालुओं के पहुंचने से सुरक्षा कर्मी और पुलिस भी जूझती नजर आई। स्थिति नियंत्रण से बाहर हुई तो कथा को कुछ समय के लिए बीच में ही रोकना पड़ा। बढ़ती भीड़ को देखते हुए मेट्रो स्टेशन के गेट को भी बंद कर दिया गया।